मैं और यावर भाई ने डिसाइड कर लिया है कि हम ज़रा ट्रेन का सफ़र कर लें। ईरान की ट्रेन के बारे में बहुत सुना है, हम ज़रा ख़ुद उसमें जाके एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं कि ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है। हमें पता नहीं कि ट्रेन किधर है, ढूंढ लेंगे, रेंडमली ढूंढ लेंगे। ट्रेन में जाने के लिए कहाँ जा रहे भाई, टिकट ले पाए आप? तो हमने बता आखिर अपना कार्ड स्वीप करके निकाले हैं करके। बता रहे फिर तपरेसी, चलो हम तपरेसी की तरफ जाते हैं। हरा में बाहर इस तरफ है, ये दोनों अरब की तरफ से हैं, बाहर इस तरफ जाते हैं। तो बहुत ही लगता है, ज़मीन का स्टेशन है, अंडरग्राउंड काफ़ी। हम दो तीन क्रॉस करके नीचे आए हैं, अभी नीचे जा रहे हैं, पता स्टेशन कहाँ पे है। तो टिकट का वसूल भी हमारे लिए किसी इम्तहान से कम नहीं था, लेकिन हमने बिलाकर आपका टिकट ले लिया है। ज़ेर ज़मीन ये ट्रेन सर्विस है, यहाँ से किधर जाना है हमें पता नहीं है, लेकिन हमने ट्रेन में बैठना है, इसको हमने फैसला किया। एक स्टेशन पर उतरते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं अगले क्या होता है। ट्रेन और चल रही, बिलाकर हम दोनों ट्रेन में बैठने में कामयाब हो चुके हैं। किराया कितना करना है ये यावर को भी अंदाज़ा नहीं। ट्रेन बहुत साफ शफाफ है जी, जिस तरह की ट्रेन में आप लाहौर चलते हैं बिल्कुल उस तरह की ट्रेन है, लेकिन उसके मुकाबले में ज़्यादा शफाफ, ज़्यादा शफाफ है। क्या कहते हैं रफ्तार कहते हैं क्या पता, ईरान आकर उर्दू भी बोल चुका है जी पूरी तरह से। ट्रेन है जी, क्या है जी, मेट्रो ट्रेन। ये वाला उर्दू चीज़ें भी तो ये ना ओ यो आसो शेर ले भाई। अपने कीमती सामान की खुद हिफाजत करें, जेब कतरों से बच के रहें। ये ऐलान हुआ यहाँ पर, यहाँ पे सुनने के लिए नहीं मिलते, सिर्फ स्टेशन का नाम बोलते हैं और साफ सुथरी वो है माइक। ये क्या पता वो फारसी में बोल रहे हो सकता है, वो नहीं बोल रहे, मैं थोड़ा बहुत तो फारसी जानता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना। शुक्रिया जी जी, बस अभी चल रहे ट्रेन, इंशाल्लाह हमें अपना स्टेशन भी नहीं पता, कार को इंतजार, बस चलेगा तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। नहीं सफ़र ऐसे बहुत तेज़ है जी, हर दो मिनट के बाद एक स्टेशन आ रहा है, हमें अपना स्टेशन पता नहीं ना, यही तो मसला है। लास्ट स्टेशन हम उतरेंगे ना, उसके बाद और वापस आएंगे इसी में, उसका ना वो सफा वो मरवा की तरह हम भी आगे घूमते रहे, घूमते रहे।
स्टेशन से हम बैठे थे और फाइनल स्टेशन वैसे ही बता रहे हैं, तो हमें यहाँ पर उतरना पड़ेगा। उसके बाद फिर कहाँ जा रहे हैं मैं नहीं पता, बस वो एक्सपीरियंस हमने करना था और एक्सपीरियंस बड़ा शानदार था जी। बहुत कम्फर्टेबल ये ट्रेन है और रफ्तार भी इसकी अच्छी खासी है, साफ़ सुथरी है, बहुत मज़ा आता है इस ट्रेन पर सफ़र करने का। ये अब क्यों सब है नया ट्रेन इधर क्यों सब है मेरा अपना एक्सपीरियंस बड़ा शानदार था जी ट्रेन में सफ़र करने का। यावर भाई आपको कैसा लगा? कहाँ जाना है? किराया तो है ना वापसी का? किराया तो है ना? किराया तो है, बस वो तो कार्ड है, कोई टेंशन नहीं है, स्वाइप कर लेंगे, हम जा रहे हैं, अपने देते हैं। ये कहाँ पहुँचते हैं? कहीं कहीं तो दोबारा ट्रेन में बैठेंगे और उसी स्टेशन में जाएंगे जहाँ से हम चढ़े थे। ये ट्रेन की हाइट भी अच्छी खासी, हाइट तो नहीं और इसके लेंथ बहुत ज़्यादा है। और अब यहाँ से दोबारा एक्सीलेटर में बैठकर हम ऊपर वापस जा रहे हैं। और जिस तरह यावर भाई ने कहा कि अगर हमें पता नहीं चला ऊपर जाकर कुछ समझ में नहीं आया तो हम वापस उसी स्टेशन पर जाएंगे। किस स्टेशन से आए थे? स्टेशन का नाम ही नहीं पता ना। कोई संगी से आए थे? कोई संगी से आए थे। चले जी, ठीक हो गया जी, पहुँच जाएंगे इधर से। हमें पता नहीं कहाँ पहुँचे। आपने बड़ा अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया, कितने नीचे हम गए हुए थे। बहुत ही काफी उतराई पे हम थे, पता नहीं हम कहाँ पहुंचे, हम दोबारी गए। इसी जगह पर हम पहुंचे हैं जी, चलें। ओए सर्दी, गूगल मैप काम नहीं करता इधर? गूगल मैप काम करता है? तो देखेंगे जैसा ये वाहिद हम इस पे करते हैं। कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। हम मेट्रो ट्रेन में बैठे थे, उसके बाद स्टेशन के हमें पता नहीं चला। अभी हम मेट्रो में बैठे हैं और अब भी हमें नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है। ये सब इस बंदे की वजह से। क्या कर दो, आपने कहा कि रहना पे चलते हैं, चल रहे हैं, बस पता नहीं कहाँ पहुँचे। आप स्टेशन में छोड़ देंगे, इधर से दूसरी बस चढ़ के चले जाना। ठीक, एक और बस अभी तब्दील करनी हमने, एक और बस हमें तब्दील करनी है अभी। जी जी, अभी ये बस वाला हमें आखिर स्टॉप पे छोड़ देंगे, हमें तो वहाँ से दूसरे बस में बैठ के आना है। ठीक, वापस आना है? वापस आना है। इधर ही बस में जाना है, हरम की तरफ जाना है। अच्छा चले, ठीक है, किस तरफ जाना है। ठीक है जी, चले जी, रेंडम घूमने का अपना एक अलग मज़ा होता है जी। इस वक्त पूरी मेट्रो बस है खाली है, सिवाय हम लोग इस तरह बंदर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक अपो है, बाकी पूरी खाली है। ये गाड़ी भी निकल गई हाथ से। तो रेंडमली मुख्तलिफ इलाकों में घूमने का अपना एक मज़ा है, लेकिन परेशानी हमेशा वापसी पर होती है। इस वक्त हमें भी हल्की फुल्की परेशानी हो रही है।
अब हम मेट्रो बस स्टेशन पे हैं, यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों के लिए बसें जाती हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं उस तरफ कौन सी बस जा रही है पता नहीं चल रहा, फिर किसी और बस में बैठे कहीं पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से पता चलते हैं। बस हम बस के इंतजार में बैठे हुए हैं, ये बस हमारे तरफ जाते हैं, बस को नहीं आए करते हैं। बिला आखिर किसी और मेट्रो बस में हम बैठ चुके हैं जी, यावर साहब जी, जिम साहब की वजह से हमने बस ट्रेन में बैठे, फिर उसके बाद एक मेट्रो में बैठे, अभी दूसरे मेट्रो में देखते हैं कहाँ छोड़ते हैं ये बस वाले। अच्छा, हम उतरेंगे जी इंशाल्लाह, तो उम्मीद नजर आ रहे हैं कि हम पहुँच जाएंगे ना, तो फिर हम टैक्सी करके जाएंगे। हम तो यही एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे ना कि कैसे यहाँ पर चीजें मैनेज होती हैं, तो चले आखिरी ऑप्शन हमारे पास टैक्सी का मौजूद है जी, किसी भी टाइम हम टैक्सी पकड़ के जा सकते हैं। तो दोस्तों बिला आखिर हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पर जहां से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, मेट्रो और मेट्रो ट्रेन, उसके बाद फिर मेट्रो बस, फिर दूसरी मेट्रो बस, और फिर अब अभी हम कहां पहुंचे यावर साहब? हम अपनी मार्केट पहुंच गए थे, अपनी मार्केट पहुंच गए हैं, इस मार्केट को हम जानते हैं पहचानते हैं आसानी के साथ। तो अब यहाँ से हम अपने होटल जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हरम अब्बास की तरफ निकलेंगे जी।